प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में प्रयासरत श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा जल्द ही हमीरपुर जिला में लोगों की सुविधा के लिए डायग्नोस्टिकल सेंटर खोलने जा रहा है, जिससे हमीरपुर व इसके साथ लगते अन्य जिला के लोगों को MRI, सिटी स्कैन, ऑल बॉडी टेस्ट स्कैन करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि कांगड़ा अस्पताल में प्रदेश की पहली पैट स्कैन की सुविधा भी आगामी दिनों में शुरू कर दी जाएगी, जिससे कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों में जाँच करने में मदद मिलेगी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजेश ने कहा कि अस्पताल लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के सामने डायग्नोस्टिकल सेंटर खोलने जा रहा है, जिसमें लोगों को 24 घंटे और सातों दिन MRI, सिटी स्कैन, ऑल बॉडी टेस्ट स्कैन सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेंटर के खुलने से जहां लोगों को अब दूसरे राज्यों में इन टेस्टों को करवाने नहीं जाना पड़ेगा, वहीं उनके बहुमूल्य समय की भी बचत होगी। श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अपने पंख फैलाता हुआ मीरपुर के वासियों के लिए 1.5 टेस्ला MRI, 16 स्लाइस CT स्कैन, होल बॉडी टेक्सा स्कैन की सुविधा देने जा रहा है, जो हमीरपुर में और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में अवेलेबल नहीं। इन सुविधाओं के लिए पहले पेशेंट्स को कांगड़ा तक आना पड़ता था, मेडिकल कांगड़ा जाना पड़ता था या हमारे पास आना पड़ता था। मेरा मानना है कि इन सुविधाओं के खुलने से लोगों का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और परेशानी भी बचेगी। हम जो ये सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को 24/7 24 घंटे रातों दिन हमारा स्टाफ जनता के साथ मिलकर काम करेगा और सुविधा देने के प्रयास करेगा। सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है और कब जैसा? इस सेंटर को हम मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के बिल्कुल सामने खोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमीरपुर है उसके सामने खोल रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। और ये सेंटर, मेरा मानना है कि भगवान की इच्छा रही, वहाँ विजय श्री कांगड़ा देवी की आशीर्वाद रहा, तो हम 15 के दिन के अंदर इसको शुरुआत कर पाएंगे। डॉक्टर राजेश ने कहा कि कांगड़ा अस्पताल में कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों में जांचने के लिए पैट स्कैन की सुविधा भी आगामी दिनों में शुरू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस तरह की सुविधा देने वाला श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल बन जाएगा। हिमाचल में हमारा प्रयास रहा है हिमाचल के लोगों को घर द्वार पे सुविधाएं मिले, उसी संदर्भ में हम हिमाचल प्रदेश में पहला पैट स्कैन जो कैंसर के रोगों को डिटेक्ट करता है अर्ली स्टेजिंग में, पहला पैट स्कैन हिमाचल में कांगड़ा में खोलने जा रहे हैं, जो 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। ये पैट स्कैन हिमाचल में कहीं भी नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। इस पैट स्कैन के लिए अभी तक लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता, पैट स्कैन के 20 या 25 हज़ार रुपये लगते थे, आने जाने का 10 हज़ार रुपये लग जाता था, साथ में लोगों को छुट्टी करके अपना व्यापार बंद करके ले जाना पड़ता। मेरा मानना है कि कैंसर के लोगों को सारे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, पार्ट ऑफ बिलासपुर, चंबा डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कांगड़ा में पैट स्कैन होने से फायदा होगा। डॉक्टर राजेश ने बताया कि हमीरपुर में खुलने वाले डायग्नोस्टिकल सेंटर में जरूरतमंद के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने हमीरपुर, बिलासपुर सहित अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे NGO से आह्वान किया कि अगर किसी जरूरतमंद को MRI, सिटी स्कैन आदि की जांच करवाने में दिक्कत आ रही है तो उनका निशुल्क जांच के लिए भी वे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा ECHS और हिमाचल सरकार की सूची में भी शामिल है, मगर डायग्नोस्टिकल सेंटर इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। मानना है कि जो भी मैं ग्रीव वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, मुझे लगता है जरूरतमंद कोई भी हो सकता है, तो जो भी जरूरतमंद हमारे पास आएगा उसको जहाँ अगर जितनी मदद की जरूरत होती करेंगे हम मुफ्त भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस वैसे देना चाहता हूँ कि जो भी संस्थाएं हमीरपुर में काम कर रही हैं, बिलासपुर में काम कर रही हैं, वो संस्थाएं गांव में किसी जरूरतमंद आदमी को अपने माध्यम से हमारे पास भेजती हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन फॉरम हो, रोटरी क्लब हो, लाइन्स क्लब हो, वो संस्थाएँ यूथ क्लब हो, अपने माध्यम से पेशेंट को हमारे भेजते हैं, बोलते हैं ये आदमी जेन्युइनली जरूरतमंद है, हम उसको मुफ्त में भी करेंगे। मकसद है लोगों को फैसिलिटी देना, उस ध्याय को हम लेके चले हैं। श्री बालाजी हॉस्पिटल 2004 से ही इस ध्याय पे चला हुआ है और आज हम इस ध्याय को लेके हमीरपुर में आए। सर इसमें क्या क्या श्री बालाजी हॉस्पिटल जो है कांगड़ा वाला, वो गवर्नमेंट के साथ इम्पेलेंट है, BPL के साथ इम्पेलेंट है,
पर ये डायग्नोस सेंटर है इसको बैलेंस करवाना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है वो डायग्नोस सेंटर को बैलेंस नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये मैसेज गवर्नमेंट तक जाए कि डायग्नोस सेंटर मीटर में आया है, इसमें अगर गरीब लोग फायदा उठाना चाहते हैं उनको हिम केयर कार्ड की सुविधा देनी चाहिए, बीपीएल कार्ड की सुविधा दी जाए।